हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और ये पॉजिटिविटी है जो किसी भी मूवी का रंग बदल सकती है। हमने ये पॉजिटिविटी ईयर आई थिंक 2 साल से शुरू करी हुई है। चाहे वो ब्रह्मास्त्र आई, चाहे वो पठान आई, चाहे फिर वो जवान आई, कोई भी ऐसी मूवी जिसको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होनी शुरू हो जाती है अननेसेसरी। अगर जेन्युइन है तो जेन्युइन है, और अगर कोई ऐसी ज़बरदस्ती की नेगेटिविटी हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसका सही पर्सपेक्टिव लोगों तक लेके आ पाएं, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी तो बिल्कुल चलता है। टाइगर 3 के बारे में बात करेंगे कि डे 2 का कलेक्शन किस तरीके का गया है, काफ़ी मज़ेदार टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं इसके साथ, और किस नंबर पर अभी ये पहुँच गई उसके बारे में बात करेंगे। और इसी वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि इसका जो डे 3 है उसका एडवांस अभी तक कितना हुआ और कितना जा सकता है, तो कल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोनों एक ही चीज़ में कवर कर लेंगे। और कुछ लोग मांग रहे थे कि बाकी जो मूवीज चल रही हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँ, क्योंकि इतनी सारी बातें हम टाइगर के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहले यहाँ कवर कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो मान लीजिए टॉप 7-8 मूवीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। जवान ने 65.5 करोड़ किया था इसी साल, पठान ने भी इसी साल 57 करोड़ किया था, और ये उस टाइम पे रिलीज़ हुई थी जब ये फुल डे था, जब आप इसको जाके देख सकते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, जब भी आपका मन करे। वॉर ने बहुत अच्छा कमाल किया था, 51.5 करोड़ रुपीज़ किया था। अपार्ट फ्रॉम शाहरुख खान फिल्म तीसरे नंबर पर ये थी, और बहुत बड़े स्टार आमिर खान की भी जो मूवी थी उसने 51 करोड़ किया था। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये 3 से 4 मूवीज़ हैं जो सबसे ऊपर चल रही हैं। फिर आती है टाइगर 3 जिसने 44.5 करोड़ रुपीज़ आज क्लॉक किया है, ठीक है। उसके बाद गदर आती है 40.1 करोड़ रुपीज़ पे, आदि पुरुष ने 37.25 करोड़ किया था। अब अगर आप बात करें कि जो ये टॉप 5 मूवीज़ हैं, जवान, पठान, वॉर, ठग और टाइगर 3, इसमें आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि एक्सेप्ट जवान, ज़्यादातर जो मूवीज़ हैं, चारों की चारों मूवीज़ ज़्यादातर ये YRF से निकल के आई हैं। तो इसका मतलब है कि YRF आपको बिग स्केल की, लार्ज बजट की, लार्ज आउटपुट वाली मूवीज़ ऑफर करता है, तो इसीलिए उसको सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस कहा जाता है। अब क्योंकि वो इस तरीके के नंबर्स देता है, इस वजह से वो मार्केट को भी गवर्न कर पाता है, और राइटफुली सो, जिसका प्रोडक्ट बिकेगा वही मार्केट गवर्न करेगा, ये तो होता ही है। फिर नेक्स्ट बेस्ट जैसे होता है करण जौहर, उसके बाद आप समझ लीजिए संजय लीला भंसाली, ये सारे वो लोग हैं जो सक्सेसफुल मूवीज़ देते हैं, और क्योंकि वो देते हैं जनता को उनको पसंद आती है, तो इस वजह से फिर उनको स्क्रीन भी ज़्यादा मिलते हैं। ये नॉर्मल बिजनेस का खेल है, इसके अंदर कोई पार्शियलिटी वाली बात होती नहीं है। अब टाइगर 3 के बारे में बात करें कि मॉर्निंग शो जो कल था वो था 36.55% ऑक्यूपेंसी से इंक्रीज होके आज 21% पे गिर गया। तो लोगों ने बोला कि यार ये दो अब टाइम टाइम पेश हो गया, अब जो हम नेगेटिविटी की बातें करते थे अब कुछ नहीं होने वाला है इसका। तो टाइगर ने बोला कि चलो थांबा, अभी लोग उठ रहे हैं क्योंकि कल बहुत दिवाली खेला रात तक, ऑब्वियसली लोग सेलिब्रेशन लेट नाइट तक करते हैं। तो आफ्टरनून शोज में काफी बड़ा जंप आना शुरू हो गया। कल था 42.73% जो कि इंक्रीज हो गया 54% में। इवनिंग शोज कल सिर्फ 37.82 करोड़ थे जो कि हुए 65%। नाइट शो ऑलमोस्ट जीरो थे, कुछ ज़्यादा था नहीं, 5% के आसपास आया था, वो हो गए 60%। अब आप बोलोगे इतने सारे परसेंट लगाए जा रहे हो तो इसका रिफ्लेक्शन कलेक्शन में क्या है। कल 44.5 करोड़ किया था, आज 55 करोड़ से 60 करोड़ रुपीज ऑलरेडी लग रहा है। सरप्राइज फिगर 65 के भी लेट नाइट तक आ सकती है, कन्फर्म्ड बात 55 के तो है ही, कन्फर्म्ड आप 60 भी ले ही सकते हो, क्योंकि 60 भी टच करेगा ही करेगा, 65 करेगा कि नहीं करेगा वो देखने वाली बात है। विच मीन इट विल टच 105 करोड़ रुपीज टुडे इन जस्ट 2 डेज एंड मोर देन 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड। तो 2 दिन के अंदर 200 करोड़ से ऊपर, यानी कि 100 करोड़ रुपए से ऊपर की एवरेज इसकी अब चल रही है। तो जिसको लग रहा था कि भाई का स्वैग नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, तो स्वैग इंटैक्ट है, YRF की स्ट्रैटेजी इंटैक्ट है, स्पेसिफिकली अगर हम स्पाई यूनिवर्स की बात करें, और दूसरा ये मूवी के अंदर खुद के अंदर भी बहुत दम कम है। तो जितने भी रोड़े छोड़े थे और जितने भी केयर के शेयर के थे उनकी दाल इस बारी तो गली नहीं, और जो फैंडम है और जो स्टारडम है, और स्टारडम भी छोड़िए, जो मूवी स्टैंड अलोन भी अपने आप में बहुत अच्छा मैसेज देती है। मेरे लिए स्पाई यूनिवर्स की सबसे जो तगड़ी मूवी है वो यही है। एग्जीक्यूशन छोड़ो, सबको छोड़ो, जो मैसेजिंग है इसका वो मेरे को इतना इंटेलिजेंट लगा है कि मैंने कभी भी किसी भी मूवी में इतना इंटेलिजेंट एग्जीक्यूशन नहीं देखा। आपको अपनी नेबर की हेल्प इसलिए करनी है, भाई तू अपने घर के अंदर खुश रहे ताकि मेरे घर को डिस्टर्ब ना करियो। मेरे घर को डिस्टर्ब करेगा तो तू हर बार लड़ाई करके हारेगा, लेकिन अगर तेरी नीयत साफ है तो तेरे को मैं सपोर्ट कर दूंगा। ये सिंपल सी बात है, बहुत ही समझी हुई, सुलझी हुई, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे वाली ये बात है। जो अनपढ़ गवार है उनको तो समझ में आ ही नहीं सकती, जिनका माइंड वॉश हो चुका है। अब हम बात करेंगे डे 3 में क्या होने वाला है। डे 3 का जो एडवांस है
वो अभी फिलहाल के लिए 7 करोड़ रुपए के आसपास हावर कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है शायद डबल डिजिट टच कर सकता है, लेकिन अभी हम 7 करोड़ के ऊपर ही चलते हैं, 7 से 8 करोड़ रुपए, विच मीन्स अर्ली 20s के अंदर कल कमाएगी, यानी 24 करोड़ रुपीज़, 25 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये कल एक और कलेक्शन हैवी वाला करना चाहिए, बट ये अबव 20 ही रहेगा, मतलब 22 से 25 करोड़ रुपीज़ के आसपास कल इसका कलेक्शन आएगा। अगर 10 करोड़ रुपये टच कर जाता है, क्योंकि इसका बिहेवियर ये आ रहा है कि ऑन स्पॉट बुकिंग बहुत ज़्यादा है और लेट नाइट 9-10 बजे के बाद बंपर बुकिंग चल रही है अभी एटलीस्ट 2 दिन से, तो अगर यही सेम बिहेवियर दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट होता है और कल भैया दूज है, तो शायद मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लोग फिर से जाना चाहेंगे आफ्टरनून इवनिंग शो में, कल भी जगह छुट्टी है, तो ऐसा हो सकता है कि 30+ का स्कोर भी लेके आ जाए और आज ही आज में 10 करोड़ रुपीज़ टच भी कर जाए, ऐसा बहुत ब्राइट चांसेस है इसके कि 30 करोड़ रुपीज़ का प्लस का टारगेट आ जाए। बाकी एक और असेसमेंट हम करेंगे कल मॉर्निंग में, तो मैं आपको कल मॉर्निंग में एक शॉर्ट सा वीडियो बना के बता दूंगा कि इसकी एडवांस बुकिंग और पोटेंशियल किस तरीके का लग रहा है, उसको बहुत शॉर्ट रखेंगे क्योंकि बाकी डिटेल में तो हम बात करते ही रहते हैं। अभी इस वीडियो के सून आफ्टर वी विल ऑल्सो रिलीज अ वीडियो विच विल बी ऑन व्हाट रेस्ट ऑफ द मूवीज दैट आर वर्किंग ऑन बॉक्स ऑफिस। बाय बाय।